खबर गाजीपुर से है, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्थान फाउंडेशन की ओर से सनातन धर्म की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश में बहुत कुछ बदला है। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद आज हमारा समाज बड़े परिवर्तन के मुहान पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पिछले 10 वर्षों में सनातन संस्कृति की ऊर्जा का समय रहा है। इन 10 सालों में जन जन की सोच में परिवर्तन आया है। आज जो हमारा समाज है वो एक बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। यह परिवर्तन भी किस लिए संभव हो पाया, मुझे लगता है कि इसका विचार करना भारत के हर नागरिक के लिए बड़ा आवश्यक है। विशेष रूप से आजादी के बाद के जो पिछले 10 वर्ष बीते, मैं मानता हूं कि ये हमारी सनातन संस्कृति में नई ऊर्जा के संचार का समय रहा है। और मैं मानता हूं कि जन जन के सोच में पिछले 10 वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। ये परंपरा थी समाज के खूब डालो राज करो, मुझे लगता है कि उससे देश अब बाहर निकला है पिछले 10 वर्षों में। और ऐसे लोग जो इस्लाम में संलिप्त थे उनके चेहरे भी बेनकाब हो सके। और मैं आवश्यक मानता हूं ये जो काम हुआ है इसे भारत के नागरिक या जिन के नागरिक पहचाने और फिर से इस तरह के प्रयास सफल न हो, इसकी हम कोशिश करेंगे। अगर आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत का मन बदला है, भारत की चेतना बदली है और समाज सनातन धर्म के अस्तित्व को पुनर्स्थापित करके देश को विश्व गुरु बनाना चाहता है, इसके लिए तत्पर है देश। पिछले 10 वर्षों की जो बात मैं बात कर रहा हूं, ऐसा लगता है कि भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आकाश में व्याप्त जो अमावस का गहरा अंधेरा था वो छटने लगा है। समाज में जागृति का नया सूरज आज लोगों को दिखाई पड़ रहा है और नए सपनों के कमल बड़ी मात्रा में देश में खिलने लगे। एक प्रसिद्ध संत ने कहा था, उन्होंने कहा भी, प्रेम ज्ञान जब उपजे चले जगत में झाड़, कहे दरिया सतगुरु मिले पारा करे सुधार। अगर आप विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि आज सनातन संस्कृति की प्रेम ज्ञान की नई धार सभी पंथों से मुक्त होकर के चल निकली है, चल पड़ी। देश के मन को समझ कर तथा उसके विकास के उपाय को सुनिश्चित करके नए भारत के सृजन का मार्ग उसी तरह से प्रशस्त होने लगा है। और अगर मैं कहूं कि भारत में एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अध्याय पिछले 10 वर्षों में हुआ है तो शायद यह अतिशयोक्ति नहीं। जब हम अपने अतीत को देखते हैं